फ्रेंड अगर आपके चेहरे पे अभी तक दाढ़ी मोछ नहीं आए अभी तक आपके चेहरे पे कोई भी दाढ़ी मोच नहीं उगाए और आप अपने चेहरे पे मेरे तरह कुछ ही तरह से एकदम सुटेबल दाढ़ी चलाना चाहते हैं एकदम अच्छे तरह से चारों तरफ बराबर वाला दाढ़ी मोच लाना चाहते हैं दाढ़ी मोच उगाना चाहते हैं तो फ्रेंड आप इस वीडियो को लास्ट तक ना क्योंकि इस वीडियो में कुछ मतलब दवा बताऊंगा कुछ अपने हाथों से दवा बनाकर बताऊंगा और आप उस दवा को अच्छे तरह से लगाते हैं अच्छे तरह से दवा बनाकर उसको मतलब अप्लाई करते हैं तो आपके दाढ़ी मोच आ सकता है ठीक है ना तो फ्रेंड आखिर वो दवा कौन सा है कैसे बनेगा उसको बनाने के लिए क्या क्या सामान लाएगा ये सारी जानकारी मैं उस वीडियो में दूंगा ठीक है तो फ्रेंड अगर आप सब जानना चाहते हैं तो फ्रेंड आप

ठीक है ना किसी का मतलब कि बराबर दाढ़ी मोच अभी तक नहीं उगा या फिर फ्रेंड किसी का मतलब कि मोछे आ गया है और दाढ़ी अभी आना बाकी है तो ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है ठीक है ना तो फ्रेंड इसमें करना क्या है आपको मतलब कि दाढ़ी मोछ बराबर लाने के लिए बराबर दाढ़ी मुछ उगाने के लिए फ्रेंड आपको सिंपली करना क्या है सबसे पहले जानना होगा अपने बॉडी में कि मतलब कि हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पहले से कोई दिक्कत तो नहीं है ताकि हमारा दाढ़ी मोछ नहीं आ रहा है मतलब कि फ्रेंड होता क्या है कि आपके बॉडी में अगर मतलब कि विटामिन ई की कमी होगा तो इससे फ्रेंड आपको मतलब कि दाढ़ी मोछे और बाल उगने में थोड़ा मतलब कि प्रॉब्लम देखने को मिलता है ठीक है तो ये आपको जाना जरूरी है अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो उसके लिए फ्रेंड आपको मतलब कि विटामिन ई की गोली याता एवी एन चार्स होकर के उससे आपको खाना होगा और उससे इस पर लगाना भी होगा ठीक है और फ्रेंड लगाना कैसे है आप एक बार जानो लगाना कैसे ये आपको जाना जरूरी है फिर आपको लगाना है तो सिर्फ विटामिन ए e की गोली नहीं लगाना है आपको इसके साथ फिर करना है कि आपको आपको एक प्याज लेना है ठीक है प्याज और उस प्याज को फिर आपको पका लेना है पकाने के बाद उसका रस निकालना है ठीक है ना उसमें से पकाने के बाद प्याज पकने के बाद उसमें रस निकालना है उसका जो भी रस निकलेगा उस रस में आपको विटामिन ए e की गोली को मतलब कि काट कर उसमें मिला देना है ठीक है विटामिन ए e की गोली प्रसिद्ध से देखने को मिलता है इस विटामिन ए e की गोली को काटिएगा तो उसमें से मतलब पानी की तरह निकलता है उस दोनों को मिक्स करके अपने मतलब कि इस पे दाढ़ी पर लगाना जहाँ पे दाढ़ी नहीं उगा ना वहाँ पर लगाना है ठीक है अच्छे तरह से लगाना है ठीक है और लगाने के बाद आपको मतलब ये क्या करना है उसको मैक्सिमम आधे घंटे तक रखना है ठीक है ना फ्रेंड रखने के बाद आपको ये प्रक्रिया कम से कम से कम दो मंथ तक करना है ठीक है ना दो महीने तक और फिर दो महीने करने के बाद आपको मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा ठीक है मैं ये ग्रांति कर सकता हूँ आपको मतलब कि कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा तो फ्रेंड ऐसे करके आसानी से आपने मतलब फेस पे दाढ़ी मोच ला सकते हैं एक और फ्रेंड बात है कि मतलब कि कितना आदमी का दाढ़ी मोच क्यों नहीं आता है वो होता है कि फ्रेंड मतलब कि जनरेशन के हिसाब से मतलब बड़े बुजुर्ग जनरेशन के हिसाब से ठीक है ना अगर आपके बड़े बुजुर्ग का दाढ़ी मुछ पहले नहीं आता होगा तो अब उसके बाद आपके मतलब दादाजी को नहीं दाढ़ी मुछ है आपके पापा जी को नहीं है कम है फिर फ्रेंड आपके ऊपर भी वो जनरेशन पढ़ सकता है ठीक है ना कि मतलब कि आपको भी मतलब दाढ़ी मुछ नहीं आ सकता है मतलब कि जनरेशन के हिसाब से होता है तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो इसका तो फ्रेन कोई इलाज नहीं है ठीक है ना एक और कारण है फ्रेंड मतलब कि अगर आपके चेहरे पे कहीं पर भी कोई पिंपल वगैरह हो गया है काफ़ी अधिक मात्रा में ऐसे दाढ़ी के अंदर हो जाता है या फिर मतलब कि फंगल इन्फेक्शन कोई हो गया है तो फंगल इन्फेक्शन होने कारण मतलब कि चमड़े के अंदर एं मतलब एं कुछ कीटाणु होता है तो उसे कारण आपका दाढ़ी मोच झड़ रहता है दाढ़ी मोच उस पर नहीं जाता है ठीक है तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है ठीक तो है तो वो भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको मतलब का कि उसका जड़ पकड़ना होगा कारण पकड़ना होगा कि फिर हमारा दाढ़ी मोच क्यों नहीं आ रहा है तो वो फंगल इन्फेक्शन के थ्रू तो नहीं आ रहा है ठीक है तो अगर आपका दाढ़ी मोच फंगल इन्फेक्शन थ्रू तो नहीं आ रहा तो आपको सबसे पहले उस फंगल इन्फेक्शन को ठीक करना होगा तभी आपका दाढ़ी मोच आ सकता है ठीक है तो ऐसे करके आसानी से आप दाढ़ी मोच को ला सकते हैं ठीक है और फिर बेसिकली जो इसका दवा है मैं आपको बताया हूँ चार समझिए कैप्सूल और प्याज का रस इसको निकाल कर मिलाकर अच्छी तरह से उस पर लगाना है आपका दाढ़ी मुझ आ जाएगा ठीक है ना तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना ठीक है थीके? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो काफी अधिक मात्रा में अच्छा लगा वीडियो वीडियो को लाइक करना चल पे रिक्वेस्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइक कर करना ताकि हमारे आने वाले और भी देखने को मिलते रहे ठीक है